कुछ नहीं दिखेगा तो वो ज्यादा दिखता है। अगर रविंदर आप लोग कांग्रेस से उनके साथ सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये भी है, इलेक्शन करा रहे हैं पब्लिक के लिए, इलेक्शन का पूरा बेड़ा उठाया हुआ है, लेकिन पब्लिक को अभी तक नहीं पता है कि ड्राफ्ट है क्या, पब्लिक को अभी तक नहीं पता। हाँ, रविंदर रैना को मालूम है, बड़े बड़े नेता को मालूम है, पब्लिक दिल्ली वेजरों का मसला तो कांग्रेस ही हल कर रही थी, वही होगा इनके आने के बाद। इन्होंने पक्के करना बिल्कुल छोड़ दिया, और फिर बुंदेलवाड़ी की है, पहले 50,000 कहते थे, रुपये 2,000 कहते, 5,000 आज आके कुछ होना है, इनका हाथ बुरा होना है, और इलेक्शन आने के लिए लोग और युवा क्या बता देंगे कि मैंने कभी वो भाजपा नेता वो खुश करे, नाराज करे, इलेक्शन भाजपा नेताओं ने वोट नहीं डालने हैं, पब्लिक ने वोट डालने हैं, और पब्लिक को अभी तक नहीं पता डिलिमिटेशन में है क्यों, क्योंकि पब्लिक डोमेन में वोट ही नहीं आई है, तो सबसे ज्यादा बीजेपी पब्लिक को इग्नोर कर रही है। अरे हम तो सवाल रविंदर रैना पे उठा रहे हैं, वो खुद फोन करके अपने बड़े बड़े नेताओं को बोल रहे हैं टेंशन नहीं करना मैं कर लूंगा, तुम खुद तुम्हारा देखो, जतिंदर सिंह बोल रहा है कि मैं डिलिमिटेशन मैनेज कर रहा हूँ, रविंदर रैना कह रहा है मैं कर रहा हूँ, अपनी लड़ाई तुम जाओ, अपनी लड़ाई को वो करो, तुम्हारे घर में खुद कंपटीशन लगा कि मैं ज्यादा धांधली करूँ कि मैं धांधली करूँ, तो हम तो इनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अरे अपनी चपत्ती कुछ नहीं है, ये लोग चोर हैं, इनके मलिक जो गवर्नर थे उन्होंने कहा था कि मेरे से 150 करोड़ की रिश्वत मांगी, अभी तक प्रदर्शन तो करने सभी चोर हैं, यार प्रोटेस्ट तो करने दो, ये किसी को भी नहीं सुनेंगे, जो लोग सच की बात करेंगे उनको दबाने की कोशिश करेंगे। बैठो पहले भी बैठो करो यार, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, सकते हैं किस तरह से यूथ कांग्रेस के जो ये तमाम युवा थे यहाँ पर आए और प्रदर्शन जो है इन्होंने किया, और यहाँ पर पुलिस की गाड़ियों में इन्हें लेके जाया जा रहा है लगातार। अगर हम बात करें तो इस तरह के जो हालात हैं वो देखने को मिलते हैं जम्मू में, बीजेपी के खिलाफ डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर जो प्रदर्शन है वो किया गया, और अब पुलिस ने इन युवाओं को जो है बस के अंदर जो है धकेला है। लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे हैं वो कुछ खास जो है बीजेपी जम्मू के युवाओं के लिए, जम्मू के लोगों के लिए नहीं कर रही, चाहे वो डिलिमिटेशन कमीशन की
रिपोर्ट की बात करें तो बिल्कुल भी अनसेटिस्फैक्टरी जो रिपोर्ट है डिलिमिटेशन कमीशन की वो दी गई है, और बीजेपी के जो नेता है वो बिल्कुल भी जनता के लिए काम नहीं कर रहे, इस तरह का इनका ये जो है कहना है। डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट को लेकर जो यूथ कांग्रेस है वो हाथों में झंडा लिए हुए यहाँ पर आए और इस तरह से उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया, और तमाम जो यहाँ पर युवा है जम्मू की सड़कों पर उतर कर आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी के जो हाय हाय के नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। आप देखिए कि बीजेपी के खिलाफ जो ये प्रदर्शन है वो हुआ है, और डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है उससे पूरी तरह से नाखुश है। बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे हैं, जितने भी नेता हैं, वो जो है उनके खिलाफ जो है ये प्रदर्शन है वो हो रहा है, और पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें जो है यहाँ से ले जाया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इन्हें बस के अंदर जो है भरा गया है, और जम्मू कश्मीर पुलिस जो यहाँ पर सुरक्षा को ध्यान में रखते ताकि कोई परेशानी ना हो, रोड ना ब्लॉक हो जाए, इस बात को लेकर जो है ध्यान रखा जा रहा है। तो आपने देखा किस तरह से यूथ कांग्रेस के जो तमाम ये युवा थे यूथ कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर इकट्ठा हुए, बीजेपी के खिलाफ इन्होंने नारेबाजी की और इस बात के लिए कहा कि बीजेपी डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो लेकर आई है ये बिल्कुल गलत है, इस रिपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि किसी भी तरह से जम्मू के लोगों की भलाई के लिए ये रिपोर्ट जो है वो नहीं बनी। तो तमाम इस तरह के जो अपडेट्स हैं वो हम आपको देते रहेंगे। जम्मू में आए दिन प्रदर्शन जो है वो बिल्कुल जारी है, युवा बहुत नाखुश हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, इसलिए यहाँ पर प्रदर्शन जो हुआ और पुलिस अपनी गाड़ियों में भर कर इन युवाओं को ले गई है। अब बने रहिए परफेक्ट टाइमलाइन के साथ तमाम बड़ी खबरों के लिए।